मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य गार्डिंग चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ गुलाब के बारे में। लोग बताते हैं कि गुलाब का पेड़, हमारा इंग्लिश गुलाब वाला पेड़, मर जाता है, चल नहीं पाता ठीक से। तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम जो आती है, लोग इसका जंगली जो पेड़ होता है, नीचे से ग्राफ्टिंग होती है गुलाब की, उससे तैयार होता है। क्योंकि ये सब अमेरिका के प्लांट्स हैं, इंग्लिश गुलाब जो है, तो यहाँ पर जंगली पौधे में ग्राफ्ट करके बनाया जाता है। तो पहले मैं आपको पेन और कॉपी में बताऊंगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट पेड़ में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो जैसे कोई भी प्लांट है, ये जैसे जमीन है, ये रोज का प्लांट है, जिसकी ब्रांचेज हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर नीचे तक तो जंगली होता है और यहाँ पर ग्राफ्ट करके फिर पेड़ आगे बढ़ता है। इस अखुए से, जो अखुआ जो काट के लगाया जाता है इंग्लिश का, उससे पेड़ बढ़ता है, तो इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसके नीचे से, जमीन के नीचे से भी जंगली अपने पेड़ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है और खूब पत्तियां होती हैं, खूब इसमें कांटे होते हैं पतले पतले। इसको जब तक आप नहीं काटेंगे तब तक ये पेड़ सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि ये ही पूरी एनर्जी लेता रहेगा नीचे से, ये खूब नहीं बढ़ेगा। तो आपको बढ़ाना है इसको, है ना कि इन जंगली को बढ़ाना है। तो यही लोगों की मेन दिक्कत होती है। लोग सोचते हैं कि पेड़ हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, पर फूल नहीं आ रहे। फूल इसीलिए इंग्लिश में नहीं आते हैं क्योंकि आप जंगली को बढ़ने देते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, डायरेक्ट पेड़ में दिखाता हूँ कि कैसे आपको देखना है, कैसे उसको पहचानना है। जैसे कि देखिए, ये प्लांट है हमारा, अभी मैंने नर्सरी से मैं लाया हूँ, लेकिन मैंने इसको भी लगाया नहीं है। तो जैसे कि आप देखिए, ये देखिए, ये गांठ है, ये गांठ है, लेकिन इसके नीचे से ये निकल रहा है, ये देखिए। और ये तो पक्का ही बिल्कुल नीचे से निकल रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल ही नीचे से निकल रहा है। तो ये इसको तो आपको काट ही देना है। जो नीचे से निकल रहा है उसको आपको इस तरह से काट के बिल्कुल अलग कर देना है। अगर आपको ग्राफ्टिंग सीखनी है, ग्राफ्टिंग करनी, और देखिए जैसे कि ये देखिए, ये भी अखुआ है, लेकिन उसके नीचे से निकल रहा है। आप अगर देखते हैं तो उसके नीचे से निकल रहा है, देखिए आप। इसको भी आपको, इसको तो आपको फिंगर से ऐसे तोड़ देना है बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा इस तरह से। एक और प्लांट लेके लेता हूँ मैं, ये देखिए, इसमें भी देखिए, ये देखिए, थोड़ी पत्ती हटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। देखिए ये गांठ है बड़ी सी, जिससे कि ये बड़ी वाली डाल निकली। ये मेन पौधा है, देखिए इसमें कली भी आई थी, अब कली सूख गई है इसमें। तो देखिए नीचे जो है, ये जो निकल रहा है, इनको भी आपको, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से निकल गया, बहुत आसानी से निकल जाता है। और जो जमीन के नीचे से आ रहा है, और जो नीचे से निकल रहा है, जो जड़ के पास से आ रहा है, उसको तो आपको परपेंडिकुलर ऐसे काट देना है। अगर आप इस तरह से नीचे, अगर ऊपर से ही तोड़ देंगे, तो फिर इसके, जैसे आपने यहां से अगर तोड़ दिया जमीन की, तो फिर ये चार और निकाल देगा। तो इसको कोशिश करिए, नीचे से जितना नीचे से निकाल सके उतना नीचे से आप इसको निकाल दीजिए। इस तरह से आप निकाल दीजिए। अब देखिए गमला बिल्कुल फ्रेश हो गया है। और देखिए कि ये किनारे के जितने भी थे, मैंने साइड के सब निकाल दिए हैं, ये सब जंगली थे। तो धीमे धीमे आप भी जब करोगे तो आपको भी आदत हो जाएगी इसकी। ये देखिए इसी तरह से, ये एक प्लांट है। अब ये देखिए, ये इसकी चाल ही देखिए आप, ये देखिए जंगली कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये मेन प्लांट है, जिसकी पत्तियां देखिए डार्क ग्रीन कलर की हैं, पर इसकी पत्ती देखिए एकदम तेजी से भाग रहा है। और ये इसी तरह भागता रहेगा और फूल इसमें एक भी नहीं आएंगे। और कई नर्सरी वाले इसी तरह जंगली भी बेच देते हैं ग्राहकों को, और लोग सोचते हैं फूल आएंगे। तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसको भी देखिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, इसको भी नीचे से ही निकालना होगा आपको, खोद करके। थोड़ा संभाल के निकालिएगा, ऐसा ना, बहुत ही स्ट्रांग हो गई, क्योंकि देखिए कितनी पुरानी हो गई। देखिए ये देखिए कितनी स्ट्रांग हो गई थी, ये तो बहुत ही मुश्किल से निकलती है, अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। इसी तरह देखिए ये भी, देखिए ये और ये भी,
पत्तियां मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये देखिए, ये भी देखिए नीचे से निकल रहा है। ये भी देखिए नीचे से निकल रहा है। तो इसको भी आपको इसी तरह परपेंडिकुलर, ये देखिए निकल आया। देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा था ये। ये सब जंगली था। अब ये देखिए, ये हमारा मेन पौधा बचा हुआ है। इसको जब और आगे की वीडियो में मैं आपको, ये देखिए इसकी पत्तियों में कितना अंतर है। ये देखिए बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि छाया में कोई पौधा रख दिया तो बढ़ता है, उस तरह से बढ़ता है। और ये देखिए इसकी पत्तियों में कितना बड़ा अंतर है। इसी तरह देखिए मेरा जमीन में प्लांट है, मिनिएचर का प्लांट होता है, इसमें छोटे फूल आते हैं गुलाब में, इसकी पत्तियां भी छोटी होती है। लेकिन देखिए इसमें, देखिए ये और ये दोनों जंगलियां देखिए दूसरे पेड़ से डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से बिल्कुल बढ़ता है ऊपर। तो इसको भी आपको काटना होगा। इसको देखिए, ये इसी के जस्ट नीचे से निकल रहा था, इसको आप खींच के भी काट सकते हैं ऐसे। बस आप कांटे का थोड़ा ध्यान रखिए, कांटे ना लगे। तो ये गुलाब का कांटा लग जाता तो जहरीला होता, दर्द बहुत होता है। ये देखिए, ये सब जंगली थे। तो इस तरह से, और इसके बाद अब आप गुलाब को गुड़ाई करके खाद, इसमें देखिए कितने ज़्यादा कांटे हैं। और देखिए इसके मेन जो प्लांट है इसमें देखिए कितने कम कांटे हैं, और इसकी पत्तियां भी डार्क ग्रीन कलर की हैं। देखिए जैसे ये एक और बड़ा प्लांट है मेरा रोज़ का, ये देखिए। लेकिन इसमें देखिए ये शूट निकला है, ये देखिए कितना अच्छा। और लेकिन ये देखिए इसी के साथ ही निकला है, तो इसको आपको नहीं काटना है क्योंकि ये इस पर बहुत बड़ा फूल आएगा। इसको जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो देखिए ये कितना अच्छा निकल रहा है। तो इसको आपको, और ये देखिए जहाँ पर ग्राफ्टिंग की जाती है, मेन प्लांट है, देखिए कितना बड़ा मदर प्लांट बन चुका है मेरा। तो ये इसी के साथ ही निकला है, तो इसको आपको ये नहीं सोचना जंगली, ये ठीक पौधा है। ये जो बढ़ रहा है इसमें बहुत बड़ी कली भी आएगी, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ये देखिए इस प्लांट में देखिए ये गांठ है पूरी की पूरी, और देखिए इसमें ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ये जो निकल रहा है, ये देखिए अकुआ निकल रहा है ये। तो ये इसको नहीं तोड़ना है आपको, क्योंकि इसी के साथ ही है। इस तरह से आप ही गुलाब की केयर कर सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।